हाय टू एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लगाए रहो, गुड मॉर्निंग लगाए रहो। एक समर भैया का गुड मॉर्निंग नहीं खत्म होता है, और एक दो और हैं जिनके साथ में गुड मॉर्निंग का सिलसिला जो है वो कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने बजे क्लास है उतने बजे उनकी सुबह होती है ना, जितने बजे क्लास है उतने बजे इनकी सुबह होती है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर गुड मॉर्निंग हो गया हो तो शैल वी कम टू इवनिंग नाउ? हाँ, धन्यवाद। चलिए, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं अपने आज के रिवीजन के सेशन की। और ये जो आपका रिवीजन होने जा रहा है, ये आपका अभी आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम शेड्यूल हैं उन सभी को ये कवर करेगा। इसके अंदर हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो आपके 2023 से जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने एशियन गेम्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एशियन गेम के ऊपर अलग से हम लोग 9 तारीख को एक सेशन कंडक्ट करेंगे जब ये खत्म होगा। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, पहले से थोड़ा सा बेटर है। हाँ जी, आई टैग मिल गया है, भेजा नहीं तुमने जी आई टैग, अगर मिला है। चलिए, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, लेट्स बिगिन द सेशन। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 8th of October को सॉरी 8th of October को आपका जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जाएगा। दिस इज अ मॉक टेस्ट जहां पे आपको रैंक भी मिलेगी। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर आपको प्राइज भी मिलने वाला है। ठीक है, गणेश, गिरीश, आयुषी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज भाई शुरुआत करते हैं। तो हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल जो है वो अपने स्क्रीन पर आता हुआ। चलिए, बताना शुरू करिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए, विच टीम हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री टू हिट 3000 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? फटाफट से आंसर करते हुए चलना। दिस इज आवर रिविजन सेशन, बार बार आपको बता रहे हैं। 18 को कहां संडे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इंडिया। एशियन गेम्स के लिए जो यहां पे बोल रहे हैं भाई, एशियन गेम्स के अंदर देखो 80 से ज्यादा मेडल्स हो चुके हैं, और अभी जो लास्ट मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा के नाम पे गोल्ड मेडल आया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए, हु वॉन द इनोग्रल इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2023? आपको बताना है, अभी हाल ही में मोटो जीपी हुआ था नोएडा के अंदर, आपको बताना है कि किसने इसको जीता है। जिसने इसको जीता है वो कहाँ से, मोहित आपके कमेंट आ रहे हैं, वो कहाँ से, तो वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, इटली। इसका आंसर होगा मार्को। क्या बनेगा? मार्को। नेक्स्ट पे आइए, विच कंट्री रिसेंटली अचीव नंबर 1 रैंकिंग इन ऑल दी फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के सारे फॉर्मेट में नंबर 1 पे अभी हाल ही में कौन आ गया है, नंबर 1 पे अभी हाल ही में कौन आ गया है? अगर हम पहले की बात करें, यानी कि पहली कंट्री कौन थी, तो वो थी साउथ अफ्रीका। अभी दूसरी बार ये किसने किया है, तो दिस इज इंडिया। अगला सवाल, और आपको पता है कि कल है 5 तारीख, वर्ल्ड टीचर्स डे भी है, और कल से ही शुरुआत होने जा रही है वर्ल्ड कप की भी। ओके, विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द ऑफिशियल पार्टनर फॉर बीसीसीआई, फॉर बीसीसीआई डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन? बताइए। हाँ, एलन मस्क, छुट्टी देंगे हम, बिल्कुल छुट्टी देंगे। बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ। स्पॉन्सर एचडीएफसी, एचडीएफसी इसका स्पॉन्सर है, सोच लो, एचडीएफसी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SBI Life is the right answer. इसीलिए कहते हैं रिविजन मार्क के आया करो क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन 10 मीटर एयर राइफल के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर ISSF वर्ल्ड कप के अंदर, इसके ऊपर अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन भी पूछा गया है, बताइए। बेटा 4 बजे का क्लास जो है, पहले हम थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, फिर 4 बजे का क्लास आएगा। ठीक है, क्या फायदा कि एक भी क्लास हम ना ले पाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? एल्बेनिल। क्या हो जाएगा? एल्बेनिल। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए, विच इंडियन क्रिकेटर लॉन्च द ओन स्पोर्ट्स ब्रांड जिसका नाम क्या है? जैनन स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि अभी हाल ही में सितंबर में किसने लॉन्च की है, सितंबर में किसने इस ब्रांड को लॉन्च किया है? ओके छवि, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दीपक चहर ने अभी हाल ही में अपनी खुद की एक ब्रांड जो है उसको लॉन्च किया है। अगला, हु वॉन द पोल वॉल्ट एट द डायमंड लीग फाइनल उजनी 2023? आपसे कहा जा रहा है कि कौन इसको जीता है। अभी ये हुआ था ना डायमंड लीग, इसमें नीरज चोपड़ा के नाम पे क्या आया? सिल्वर आया। इससे पहले अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, अगर बात करें तो 2018 में भी गोल्ड आया था, और अभी फिर से
2022 वाले यानी कि जो अभी हो रहे हैं 2023 में, इसमें भी क्या आया है? गोल्ड मेडल आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? मोंटो डोरेंटिस। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ हु हैज वॉन द 2023 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। भाई साहब ग्रैंड प्रिक्स का सवाल आएगा तो एक ही आंसर होगा, बताओ। अच्छा कल का जो शाम का 8 बजे का क्लास रहेगा ना, वो नोबेल प्राइजेस 2020, 2021 एंड 2022 के रहेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज कार्लो शियाज। याद रखिएगा सिंगापुर में इनका नाम आएगा, बाकी आपको जितने भी मिलेंगे सब में आंसर क्या होगा? मैक्स बनेगा। और मैक्स ने तो अभी हाल में एक रिकॉर्ड भी बनाया है, 10 लगातार आप देखेंगे तो इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीती भी है। अगला, फर्स्ट एवर मोटो जीपी रेस जो है इसको अभी हाल ही में स्पॉन्सर किसने किया था? इसको भी हाल ही में स्पॉन्सर किसने किया था? आंसर बताइए। इंडियन ऑयल, हरे कृष्णा। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल ने अभी हाल ही में इसको स्पॉन्सर किया था। अगला, हु वॉन द डायमंड लीग फाइनल इन जेवलिन थ्रो? किसने यहाँ पे जीता है डायमंड लीग जेवलिन थ्रो, बताइए। किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज जैको। मैंने अभी आपको बोला ना सेकेंड नंबर पे कौन थे, नीरज चोपड़ा, आपको सिल्वर मेडल के साथ में मिलेंगे। विच कंट्री हैज वॉन द एशिया कप? एशिया कप, और ये जो एशिया कप इन्होंने जीता है, मैंने आपको बताया था कि दिस इज द 8th टाइटल। कौन से नंबर का टाइटल आपको मिलेगा? दिस इज द 8th टाइटल जो जीता गया है, बताए। इंडिया, इंडिया बिल्कुल सही जवाब। किसको हराया था? तो आपने देखा यहाँ पर कौन आपको देखने को मिलेगा? श्रीलंका, श्रीलंका को हराया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला, विच इंडियन स्टेट हैज साइन एन MOU विद द स्पेन ला लीगा? क्या होगा भाई? एक फुटबॉल एकेडमी जो है उसको बनाया जाएगा, स्पेन का कौन है? ला लीगा। आपको बताना है कहां पर बनाया जाएगा। बताइए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन अभी जो तुम्हारे लेटेस्ट 3 से 4 महीने के हैं वो सारे एक साथ बताए दे रहे हैं ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। अगला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर हम बात करें तो होस्टिंग द राइट्स फॉर द ओलंपिक क्वालिफायर फॉर द कंट्री ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, बताइए। इंडियन हॉकी फेडरेशन बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? पाकिस्तान। दीदी जी फुटबॉलर है। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान इसका राइट आंसर बनेगा। आज SSB नहीं आया, वो 2 दिन से चांद पे भेजने के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान को चाइना भेजेगा, चाइना भेजेगा। चलो, इंडियन स्पिनर माइलस्टोन 150 ODI विकेट्स, बताइए। 150 ODI विकेट्स, कुलदीप यादव, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या होगा? कुलदीप यादव इज द राइट आंसर। अगला, कौन सा इसमें से स्टेट है जिसने अभी हाल ही में 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है, बताएं। व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीती है? कौन हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में 5वां एडिशन जो है वो जीता है। अगला, हु हैज रिसीव द 4-year बैन, यानी कि 4 साल का बैन अभी हाल ही में यहाँ पे लगाया गया, किसके ऊपर वो बैन लगाया गया है? थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि वो टेनिस खिलाड़ी है और अभी हाल में उनका नाम आपने देखा था, 2018 में उन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता था। नेम द पर्सन। सिमोना हैलेप, बिल्कुल सही जवाब, सिमोना हैलेप। अगला सवाल, विच सिटी इज द न्यू होस्ट सिटी फॉर द 62nd सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुब्रतो कप किससे जुड़ा है? फुटबॉल से जुड़ा है। आपको इसका होस्ट बताना है, न्यू होस्ट सिटी बतानी है। देखो पहले से, देखो दिल्ली आपको मिलेगा ही मिलेगा, अभी अगर हम न्यू की बात करें तो न्यू में आपको कौन मिलेगा? बेंगलुरु देखने को मिलेगा। बेंगलुरु भी क्या कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है। बेटा चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को मून पर लेके जाएगा, आई एग्री, लेकिन क्या गारंटी वो वहां तक लेके भी जाएगा? चाइना लेके जा रहा है ना, थोड़ा सा सोचो, उसका खुद का अपना प्रॉफिट है इसलिए वो ऐसा करेगा, बट अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, बस बोला है, ठीक है, जब होगा तब का तब देखेंगे। चलो, इंडिया मास्टर्स 2023 टाइटल डिफीटिंग द जापान
बताएं, नेम द पर्सन. हाँ, इंडिया से जलन हो रही है उसे. सही कह रहे हो. चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण जॉर्ज. आपको याद होगा, अभी हाल ही में इनके बारे में भी पढ़ा था. अगला, हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टीनेजर जिसने यूएस ओपन टाइटल जीता है और इन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है बाय बिकमिंग द यंगेस्ट पर्सन. बताएं, बाय बिकमिंग द यंगेस्ट पर्सन. नेम द व्यक्ति. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बनेंगी कोको गॉफ. कौन बनेंगी? कोको गॉफ. कहां से हैं? यूएसए से ही ये बिलोंग करती हैं. अगला, 19 साल की हैं. इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 इन चंडीगढ़ ऑन संडे विद अ जेवलिन थ्रो ऑफ दिस मच. आपको बताना है किसने जीता है, किसने जीता है, बताएं. अगर रेगुलर आप क्लासेस कर रहे हो ना, तो आपका एक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा आज. इसका राइट आंसर क्या होगा? किशोर जीना. क्या है? किशोर जीना. अगला सवाल, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट. आपको बताना है कि यहाँ पर डिड कौन, प्रज्ञानंद फिनिश इन ओपन. आपको बताना है कौन सी रैंक पे रहा था ये. प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम. बताएं कौन सी रैंक पे रहे थे ये. ध्यान दीजिएगा, मैंने विमेंस की कैटेगरी में नहीं पूछा हुआ है, ये बात हो रही है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में. फर्स्ट पे श्योर. कोको का नेम भूल नहीं सकते. अरे मैंने कब कहा कि भूलो भैया, याद ही रखना है. ठीक है, याद ही रखना है. हाँ जी, फर्स्ट पे, सेकंड पे, सेकंड पे. कुछ फर्स्ट पे कह रहे हैं, कुछ सेकंड पे कह रहे हैं. थर्ड पे कोई नहीं कह रहा है. सेकंड पे. क्वेश्चन को फिर से पढ़ो. टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इन ओपन ब्लेड्स कैटेगरी. इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा. ध्यान दीजिएगा, इस कैटेगरी की यहाँ पे बात हो रही है. अगला, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर. वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर. इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्बिया के अंदर. किस जगह पर? सर्बिया में. अगर बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपसे पूछी जाएगी तो वो कहां हुई? वो इंडिया के अंदर हुई थी, जनवरी में. इसका अनाउंसमेंट किया गया था. हु इज द फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच द 13,000 रन. ये तुरंत बता लोगे? हाँ बताइए. 13,000 रन. वीके. दिस इज चिकुबाया. दिस इज विराट कोहली. नेक्स्ट पे आइए. हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस कंपाउंड इवेंट एट द 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल. आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल. आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज जावकर. अगला, फीबा वर्ल्ड कप 2023. फीबा बास्केटबॉल. फीबा. बताएं, एशियन गेम्स के ऊपर बेटा अलग से क्लास लेंगे 9 तारीख को. खत्म तो होने दो. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी. नेक्स्ट पे आइएगा. सैफ अंडर 16. आज मैंने आपको सैफ के बारे में पढ़ाया था और वहां पे मैंने आपको बोला था कि इंडिया ने एक बार फिर से ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान को हरा के. लेकिन ये बात कर रहा है अंडर 16 की. अंडर 16 बताएं. अंडर 16. ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया ही इसका आंसर बनेगा. अगला, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन आर्म रेसलर विन इन 44th वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप. आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप. बताइए, हाउ मेनी मेडल्स. हाउ मेनी मेडल्स. इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 11 मेडल आपको देखने को मिले. अगला सवाल, हु इमर्ज एज अ विनर ऑफ द 2023 टाटा स्टील चेस. अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, विमेन लिखा हुआ है. बताओ. कुनेरू अम्पी. इसका आंसर मत कर देना, बाकी तो ठीक है. बताओ अगला सवाल, आंसर करके बताओ फटाफट से. इसका आंसर क्या बनेगा? Is it working now? Okay, thank you. चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए. टाटा स्टील चेस इंडिया विमेन रैपिड टूर्नामेंट. बताएं, हु इज द विनर.
दिव्या 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 बिल्कुल सही जवाब, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा डेनियल मैककेले, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट ट्रांसजेंडर विमेन कंट्री का नाम, फर्स्ट ट्रांसजेंडर विमेन कंट्री का नाम बताओ, नेम द कंट्री, नेम द कंट्री। ये अभी जल्दी में आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, कनाडा। क्या बनेगा इसका आंसर, कनाडा विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे आएगा इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, छुट्टी हो जाती है हर बात पे, छुट्टी हो जाती है, जरूरत छुट्टी की हमें लेकिन छुट्टी तुमको चाहिए, छुट्टी हो जाती जिंदगी में उस दिन छुट्टी की बात करना जिस दिन कुछ कर लेना, ठीक है। मैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ड्यूरेंट कप, विच टीम हैज वॉन दी ड्यूरेंट कप बताओ, ड्यूरेंट कप आज सुबह भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, मोहन बगान, 132nd एडिशन था जिसको अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। अगला सवाल, हु वॉन द इनॉग्रल मेन हॉकी 5S एशिया कप 2023, एशिया कप 2023 बोले, आंसर बताएं इसका क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इंडिया। एक बार फिर से यहाँ पे आपको इंडिया का नाम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, वेयर विल बी हेल्ड द 2023 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अभी तो एशिया कप जो, ये सॉरी एशिया गेम जो चल रही है, नेशन गेम्स के अंदर अभी तो वेट लिफ्टिंग का आया ही नहीं है, जैसे ही वो आएगा उसके बाद तो नंबर ऑफ मेडल्स और बढ़ेंगे, मुझे लग रहा है इस बार 100 के पार तो जाने ही वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ गोल्ड मेडल IBSA ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, बर्मिंघम, बर्मिंघम बताए, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इंडिया। क्या होगा, एक बार फिर से आपको इंडिया मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच कंट्री हैज वॉन द इनॉग्रल विमेन्स एशियन कप 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ये विमेन्स वाला क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन इंडिया। देखो मेन वाला हो चाहे विमेन्स वाला हो, दोनों में आपको इंडिया ही मिलने वाला है। एशिया कप इज बीइंग प्लेड 2023 विच एडिशन, एशिया कप है, एशियन गेम्स नहीं है, एशियन गेम्स आएगा तो 19th हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 16th एडिशन। अगला, विच कंट्री विल ज्वाइंटली होस्ट द एशिया कप 2023, एशिया कप 2023 ये खत्म हो चुका है, बट हम लोग लास्ट 3 से 4 महीने के ये आपके जो करंट है वो देख रहे हैं, इसलिए आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा पाकिस्तान एंड श्रीलंका, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मैच नहीं था इंडिया का। चलिए अगला, फॉर एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द फुटबॉल इन महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड द MOU विद, आपको बताना है महाराष्ट्र ने किसके साथ में MOU साइन किया है, महाराष्ट्र किसी ने अपने जीवन का पूरा आधार जो है वो बना के रखा हुआ है G20 के क्लास की PDF को। मैं इस बच्चे को बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, जिस दिन से मैंने G20 पढ़ाया उस दिन से ये एक ही सवाल सिर्फ क्लास में आके करता है, मैम G20 के क्लास की PDF, भाई साहब चली गई, वो जल गई, खाक हो गई, भूल जाओ उसे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड का इज द करेक्ट आंसर। कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, PDF का भगवान जाने कौन सा चार डालना होता है, इतिहास गवाह है, PDF से कोई पढ़ के आज तक नहीं पास हुआ है जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे। चलो बताओ, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा बैन विच वन, बैन विच वन बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा, दिस इज श्रीलंका। क्या बनेगा, श्रीलंका। नेक्स्ट पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, क्या नाम है इनका, HS प्रणय, आपको बताना है किसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कौन सा टूर्नामेंट था। अरे मैं और क्या बोलूं, मतलब मैं इसको तब से देख रही हूँ, अब तो G20 पढ़ाए हुए मुझे लगता है 2 हफ्ते हो गए, रोज क्लास में आके यही बोलता है, चाहे सुबह क्लास हो चाहे शाम को क्लास हो, थोड़ा हाथों पे जोर दो यार, मेरे भी हाथों में दर्द हो रही है, देन टू आई एम राइटिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट पे आएगा, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार फिर से आपको मैक्स का नाम मिलेगा। नेक्स्ट पे आएगा,
किसने गोल्ड मेडल जीता है मेन सिंगल कैटेगरी 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्शन नंबर टू। अभी देखना ये क्लास जैसे एंड होगा आधे से ज्यादा बच्चा बोलेगा मैम पीडीएफ, इसकी तो देखो हम पीडीएफ देंगे ही देंगे, नो डाउट इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगला, इंफोसिस ने अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर बनाया है? इंफोसिस ने अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर बनाया है? प्रणाम भैया, प्रणाम। अरे बुद्धिराम भैया बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे? इसका राइट आंसर क्या होगा, इगा स्वेटिक, दूसरा नाम क्या होगा, नडाल। इन दो लोगों को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। On which of the following date in National Sports Day celebrated in India? India में कब celebrate किया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी का happy वाला birthday सबको पता है, जल्दी से answer करो। इसका right answer क्या होगा? 29th of August। क्या है? 29th of August। अगला, who won the FIDE World Cup for the first time? FIDE World Cup for the first time? इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट, मैग्नस कार्लसन। कहाँ से हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस, अभी मैंने आपको एक प्लेयर बताया, यहाँ पे दूसरा प्लेयर जो मैंने अभी आपको बोला था दैट इज नेडाल, इनको भी अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है 3 सालों के इंफोसिस के द्वारा। अगला सवाल बताइए, पेरिस 2024 ओलंपिक्स के अंदर एंट्री मिल चुकी है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर इतने मीटर का थ्रो फेंक के, बताइए नेम द पर्सन। ये तो बता लोगे, ओके ओके। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा नीरज चोपड़ा। अनु रानी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, कल सुबह पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। अगला बताइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंडेड द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नेक्स्ट पे आइएगा, अगला सवाल, वेयर वाज द फोर नेशन जूनियर मेन हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड, जिसमें आप देखेंगे तो इंडिया की जो टीम है वो जीती थी और इंग्लैंड की टीम हारी थी, आपको बताना होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री। कोई बच्चा कह रहा है मैम यूपी पुलिस का आप कब पढ़ाएंगी, बेटा ये भी वहीं से आएगा, वही यही पेपर में आएगा। अगर पेपर में एसएससी में पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ, तो यूपी पुलिस में भी पूछा जाएगा, एमपी में भी यही पूछा जाएगा, बदल थोड़ी ना जाता है। अरे भैया पता नहीं कब समझ में आएगा तुम लोगों को ये बात। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी, बताइए मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विद हुम, विद हुम? आंसर इसका क्या होगा, मास्टर कार्ड के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, और मैंने आपको अभी बताया भी था, आज सुबह ही हम लोगों ने बात भी की थी किसके बारे में, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि उनको क्या अपॉइंट किया गया, उनको एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया, और ये हम कल सुबह एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो अभी हाल फिलहाल में 3 से 4 महीने में थे, इसमें मैंने एशियन गेम्स को ऐड नहीं किया है, वो हम अलग से पढ़ेंगे 9 तारीख को। ऑलराइट, तो चलिए इसकी पीडीएफ अभी मैं आपको शेयर करूंगी, करंट अफेयर्स बाय प्रति, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।